गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। ओके, देर इज स्टिल 1 मिनट और सो लेफ्ट, सो विल वेट। मुकुल अपना कैमरा ऑन करिए बेटा। प्रियांशी आपका कैमरा बंद हो गया है, कीप इट ऑन। 7 मिनट कर रहे हैं। ओके यश बेटा कैमरा ऑन करिए। ओके सो वी विल स्टार्ट, इट्स टाइम, सो वी विल स्टार्ट नाउ। तो लास्ट टाइम हमने, वेयर डिड वी लीव, वी वर डिस्कसिंग द टाइप ऑफ मिरर्स व्हिच गेट अ यूज इन डिफरेंट डे टू डे एक्टिविटीज। ओके सो ये कर लिया था कल, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। यश अपने को आप म्यूट पे रखिए, जब बोलेंगे तो अनम्यूट करिए क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। ओके, लिस्ट द रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन यूज्ड इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे साइन कन्वेंशंस? हमारा न्यू कार्टेशियन सिस्टम यूज करते हैं हम। ठीक है, तो कैसे करता है न्यू कार्टेशियन सिस्टम काम, बताइए क्या सेलियंट फीचर्स हैं उसके? व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स? Somebody can tell me what are the rules of sign, following the sign, what is the sign convention? देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट इज left of the polished side of mirror. ठीक है, तो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट इधर होगा और मिरर चाहे जो भी हो, कोई भी शेप हो, वो इस ये शाइनी सरफेस होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है ना, इस बेसिस पर हमारा कार्टेशियन सिस्टम काम करता है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? डिस्टेंसेस कहां से मेजर होते हैं, लेफ्ट राइट डिस्टेंसेस? कहां से मेजर होते हैं हमेशा? देखिए मैंने मिरर सीधा बना दिया है, ये
कर्व्ड मिरर होगा ऑब्वियसली, लेकिन मैंने इसलिए बनाया कि जो कॉन्वेक्स हो से कंकेव हो, हमारे रूल सेम रहते। कहां से मेजर होते हैं डिस्टेंस? हमेशा लेफ्ट राइट के डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सर पोल। यस, फ्रॉम पोल। ओके, और इनमें डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट आर towards left are negative and towards right are positive, ठीक है ना? तो पोल से अगर मैं ऐसे डिस्टेंस मेजर करूंगा तो पॉजिटिव कहूंगा, पोल से इधर मेजर करूंगा तो नेगेटिव कहूंगा, ठीक है? तो अब ये बताइए मुझे कि ये इज लेट्स से 50 सेंटीमीटर, तो ये प्लस 50 सेंटीमीटर है, माइनस 50 सेंटीमीटर है? माइनस 50 सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि मैं यहां से मेजर करना शुरू करूंगा तो लेफ्ट, ठीक है? देन व्हाट इज द नेक्स्ट? अप डाउन डिस्टेंसेस, ये यूजुअली हम हाइट में यूज करते हैं, मेजरिंग द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अप डाउन डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। ओके, आर मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और इसमें अप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, डाउन जो होता है नेगेटिव, ठीक है ना? तो ये जो है साइन कन्वेंशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके बिना गलत हो जाते हैं, ठीक है? और लेंस के केस में भी यही कन्वेंशन फॉलो होते हैं, थोड़े से टर्मिनोलॉजी बदल जाती है, कन्वेंशन लगभग यही है, लेकिन मिरर के केस में ये है, जैसे उसमें पोल की जगह हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं, छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिरर फॉर्मूला बताइए सर। 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। हां, सो 1/ f इज इक्वल टू 1/ v प्लस 1/ u, ठीक है? ये फोकल लेंथ है, v क्या शो करते हैं? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और u, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? और ये फोकल लेंथ है। जब हम ये वैल्यूज इसमें डालते हैं तो हमें हर एक वैल्यू को, करण आपके पीछे नॉइज आ रही है, म्यूट पे रखिए अपने। हाँ ठीक है, जब हम ये वैल्यूज डालेंगे चाहे f चाहे v, ठीक है, दे हैव टू पुट बी पुट All values should have their signs, ठीक है ना? वो बहुत important है। Okay, let's move. Focal length of a convex mirror is positive or negative? Positive. ठीक है, तो किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव होती है? Because the focal length of convex mirror is towards the right of it. Yes. So convex mirror ऐसे है, हमेशा हम शाइनी साइड किस तरफ करेंगे? Towards the left. तो फिर इसका जो फोकल लेंथ है वो इधर आएगा, towards the right. इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का नेगेटिव होता है। What is the formula for linear magnification in case of spherical mirrors? Linear magnification ka kya formula hai? Final magnification is equals to height of image upon height of object. Yes. Hold on. Okay.
by height of object. Okay. Is equal to, in terms of distances, minus v upon u. Okay. ये माइनस साइन इसीलिए है कि जब हम साइन कन्वेंशन डालें तो उसके बाद ये माइनस साइन की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो इसको याद रखें. चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ मिरर. द इमेज फॉर्म्ड इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर. फाइंड द टाइप ऑफ मिरर, फोकल लेंथ, नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन. किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को? सर, फोकल लेंथ तो हम मिरर फॉर्मूले से निकाल लेंगे. ओके, तो क्या क्या चाहिए हमें फोकल लेंथ निकालने के लिए? यू हमें पता है, यू कितना है बताइए. 10 सेंटीमीटर नहीं, यू बताइए. माइनस टेन सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि इमेज जब हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर. ओके, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं यू, तब आपको साइन कन्वेंशन बताना है उस समय. ठीक है, तो यू इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पॉजिटिव नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, मैं पीछे रखूंगा तो इमेज नहीं बनेगी. राइट, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, ये तो नेगेटिव ही होगा. वी हैव नो अदर ऑप्शन. जस्ट अ सेकेंड. हेलो, यस, हु इज दिस? मैं अभी क्लास में हूं, मैं उसके बाद कॉल करोगे आप मुझे आधे घंटे बाद? हाँ, ओके. ठीक है, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज v? 20 सेंटीमीटर. इज दैट इनफ? -20 सेंटीमीटर. हाँ, so do we know is it +20 or -20? We do not know. ठीक है, क्योंकि अभी हमें मिरर का नहीं पता कि वो कौन सा मिरर है. हाँ, क्योंकि मैंने कहीं नहीं बताया कि कैसा मिरर है. मैंने ये भी नहीं कहा कि इमेज फॉर्म्ड इज रियल. मैंने ये भी नहीं बताया कि इमेज आगे है या पीछे है. राइट, तो कुछ भी जब नहीं बताया तो हमें पता ही नहीं. देन हाउ विल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देन हाउ विल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो हमको इस तरह के प्रॉब्लम्स जब आते हैं ऑप्टिक्स में, तो हम इसमें दो केस बना लेंगे. राइट, तो केस वन, v is equal to +20. सर, अगर प्लस 20 लेंगे तो f आ जाएगी -20. हाँ, उसी तरह से एक केस टू बना के रख लेते हैं. v is equal to -20. तो ये जो केसेस हैं, अगर हम किसी लॉजिक से पहले ही डिसाइड कर लें कि एक ही केस पॉसिबल है, तब हम वो लॉजिक लिख के आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन इसमें दोनों केसेस लगता है पॉसिबल हैं, तो वी विल वर्क फॉर बोथ. तो हम निकाल लेते हैं 1/f = 1/20 + 1/-10, which will become -1/20. राइट, सो f की वैल्यू क्या आ गई? -20 आ गई. तो टाइप ऑफ मिरर क्या हुआ? कॉनकेव. माइनस में है तो कॉनकेव है.
ठीक है. अब बी इज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज माइनस 20 सेंटीमीटर. सी क्या है? नेचर ऑफ द इमेज. नेचर ऑफ द इमेज कैसे पता चलेगी हम? किस तरह निकालेंगे नेचर ऑफ द इमेज? देखिए, नेचर ऑफ द इमेज निकालने का सबसे आसान तरीका है एम निकाल लेते हैं. इस केस में एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. तो वी इज प्लस 20 बाय माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस 2, राइट? तो मैग्निफिकेशन प्लस 2 है. अगर मैग्निफिकेशन प्लस 2 है तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है? सब वर्चुअल एंड डायरेक्ट. हाँ, क्योंकि इससे हमें वर्चुअल नहीं पता चलता, लेकिन प्लस से हमें इरेक्ट पता चल गया, राइट? और इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होती है, तो हमें पता चल गया कि ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसलिए मैग्निफाइड है, राइट? और अब हमारा डी पार्ट है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज प्लस 2. इसी तरीके से हम माइनस 20 के लिए करेंगे, तो 1 बाय एफ विल बिकम 1 बाय माइनस 20 प्लस 1 बाय माइनस 10. वी विल गेट माइनस 3 बाय 20. ओके, एंड लेट्स आल्सो फाइंड एम बिकॉज वी विल हैव टू फाइंड इट. It's going to be minus 20 by minus 10. Minus 2. ठीक है, अब हम सारे आंसर लिख देते हैं. हमारा जो f है, f भी लिख लेते हैं. -20/3 आया. तो क्या है, किस तरह का मिरर है? नेगेटिव है तो कॉनके. नो कॉनवे. कॉनके भी है, माइनस में आया है ना वापस से. यस सर. तो वापस कॉनके भी है. कॉनकेव है. बी वाज द फोकल लेंथ जो है -20/3 और सी था नेचर ऑफ इमेज विच इज माइनस साइन. तो ये होगी रियल. वाई? क्योंकि नेगेटिव मैग्निफिकेशन है. नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड. इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी. रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. नहीं, ये टू है. टू किससे बड़ा है? वन से बड़ा है. एब्सोल्यूट वैल्यू को देखिए, साइन को भूल जाइए. टू वन से बड़ा है तो क्या है? मैग्निफाइड. Right? So it is real, inverted and magnified. And the magnification is minus 2. So iske do set of answers. Theek hai? But in this question, we learn a lot of things. Okay? What are those things? Pehli cheez ye hai ki sometimes you can have more than one answer. Okay? The second thing is, okay, although aapke board exam mein is tarah ka question aane ke chances कम है, लेकिन जीरो नहीं है. ठीक है ना? केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कम चांसेस होते हैं क्योंकि इनको करने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है. बोर्ड इतने मुश्किल क्वेश्चन यूजली नहीं देता है, लेकिन कई बार दे देते हैं, वो एग्जामिनर पे है. ठीक है, दूसरा क्या है कि सर, हाँ बताइए सर, आपने यहाँ पर माइनस टू को मैग्निफाइड लिखा है सिर्फ टू देखकर कि वन से बड़ा है, लेकिन सर हम माइनस क्यों नहीं देखेंगे? हाँ, देखिए माइनस जो है ना वो हमें उसकी नेचर बताता है. तो अब हम एक बार, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा. एक पहला साइन है,
और दूसरा एक नंबर है, ठीक है ना। तो साइन हमें क्या बताता है कि ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। पॉजिटिव मींस इरेक्ट, ओके, पॉजिटिव मींस इरेक्ट एंड नेगेटिव मींस इन्वर्टेड, ठीक है। अब इरेक्ट हमेशा वर्चुअली होती है इन केसेस में, ओके। इज इट ऑलवेज ट्रू? नो नो, नॉट रियली। कंपाउंड मिरर्स, कंपाउंड लेंसेज में ये चीज पलट सकती है, लेकिन हम वो चीज पढ़ नहीं रहे, राइट? तो हम जहां तक हमारी बात है, इरेक्ट इमेज मींस कि इट इज अ वर्चुअल इमेज, ओके। तो हमें इससे पॉजिटिव साइन से पता चल गया इरेक्ट है, वर्चुअल है। नेगेटिव साइन से पता चल गया कि इन्वर्टेड है या फिर इन्वर्टेड है एंड रियल है, दोनों चीजें एक साथ ही होंगी। तो ये दो चीजें हमें पता चल जाती हैं। फिर ये जो नंबर है, ये मैग्नीट्यूड है उसका, केवल मैग्नीट्यूड को देखना है, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, साइन को मत देखिए। ये अगर ग्रेटर देन वन है तो मैग्नीफाइड है, लेस देन वन है तो डिमिनिश्ड है, और अगर वन है, यहां लिखते सर, अगर लेस देन वन है तो डिमिनिश्ड है, लेकिन ये माइनस टू भी तो लेस देन वन ही होता है ना। हाँ, तो वही तो मैंने आपको कहा ना, उसको हाँ, इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए ऐसे, इससे नेचर पता चलेगी, इससे मैग्निफिकेशन पता चलेगा। आपको वो माइनस टू लेस देन वन देखना ही नहीं है, साइन अलग करके देखिए और मैग्नीट्यूड अलग करके देखिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज। आपको आया समझ में? ठीक है ना। तो डायरेक्शन अपनी जगह है और मैग्नीट्यूड अपनी जगह है, और दोनों ही हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे टू डू अ क्वेश्चन लाइक दिस। अ मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अपने आप में बहुत यूजफुल होती है न्यूमेरिकल्स में, राइट? अभी मान लीजिए एक हमारे पास न्यूमेरिकल सामने आया और उस न्यूमेरिकल में ये लिखा हुआ है कि अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, राइट? देन वी हैव टू सी कि कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेजेस बनाता ही है। नाउ द क्वेश्चन इज डस, और rather than does, let me say can concave mirror form diminished virtual image? No, it cannot, right? No, yes sir, it cannot form. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन में कहीं पे ये दिया हुआ है कि डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज है और नेचर ऑफ मिरर नहीं दिया गया है, तो भी हम विदाउट क्रिएटिंग केसेस, हमें केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वी हैव आइडेंटिफाइड द मिरर टू बी अ कॉन्वेक्स मिरर एंड वी कैन टेक द फोकल लेंथ टू बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट? तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत यूजफुल होती है। सिमिलरली अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि देयर इज अ रियल इमेज फॉर्म्ड, तो कौन सा मिरर होगा वो पक्का? वो कॉनकेव ही होगा, ठीक है। और अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, अगेन इट कैन नॉट बी कॉन्वेक्स, इट हैज टू बी कॉनकेव, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में केसेस बनाए,
वो केसेस बनाने ही नहीं पड़ते, हमें लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि कौन सा केस है यहाँ, ठीक है। और जो हमने अभी क्वेश्चन किया, इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि हम जब इसको सॉल्व करते हैं, वी फाइंड दैट बोथ द आंसर्स आर कॉनकेव, राइट। तो ऐसा भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि एक आंसर कॉनकेव और एक कॉनवेक्स। दीपू प्रैक्टिकल फाइल बना ली। हंस नागर डोंट शाउट इन द क्लास प्लीज, आप अलग से पूछिए जो पूछना है। The rays of light actually meet to form such an image. Real image. Real image. Okay. Real image. Real image के लिए lines have, the rays have to actually meet. And in case of virtual, they only appear to imaginary. Come from. Okay. They appear to diverge from, they appear to come from. The image in a concave mirror is laterally inverted. LG setting now. The image in a concave mirror is laterally inverted. हम ये जानते हैं कि प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है, वो तो हमें पता है। Now the question is कि कॉनकेव मिरर में lateral inversion होता है या नहीं होता। Is that true? True. ठीक है, स्पेशली वी आर टॉकिंग ऑफ द वर्चुअल केस, तो वर्चुअल इमेज में तो होता ही होता है, रियल में उसका जो डेफिनेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। गिव मी वन सेकेंड। ओके, तो रियल इमेज में थोड़ा सा, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन एक खुद में कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, ठीक है, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे उसके, लेकिन मिरर्स की इमेज में लेटरल इन्वर्जन होता ही है, कॉन्वेक्स में भी होता है, कॉनकेव में भी, प्लेन में भी, राइट। यस सर। व्हाट वुड यू से इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर? The distance between plane mirror का बताइए क्या radius of curvature होता है। हम तो spherical mirrors में radius of curvature पढ़ते हैं, right? तो अब question मैंने लेकिन पूछा है कि plane mirror का radius of curvature क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। व्हाई वुड इट बी? इट्स डबल ऑफ फोकल लेंथ, राइट, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर यू नो वाई इज इक्वल टू 2x लिखूंगा तो x इज प्रोपोर्शनल टू y, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता है। क्वेश्चन ये है कि प्लेन मिरर का क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपकी बुक में नहीं है ये क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, ये और ये दो मिरर्स हैं आपके पास, ठीक है, मिरर वन मिरर टू, इनमें से किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? वन का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है,
चलिए कंप्लीट करके देखते हैं। ये सर्कल है और टू ये सर्कल है। किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? है ना, इसका रेडियस इज बिगर। तो आप क्या समझे कि जो मिरर कम कर्व्ड होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, जो ज्यादा कर्व्ड है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, ठीक है ना। तो मतलब कि एक हमने रेडियस एक ये ले लिया, मान लीजिए फ्लेक्सिबल हमारे पास एक ग्लास है, किसी ऐसे मटेरियल का बना है जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो अब हमने उसको फ्लैटन करना शुरू कर दिया फोर्स लगाकर, धीरे धीरे फ्लैटन करते जा रहे हैं, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा, राइट? यस सर। और करते 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 हमने उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया, प्लेन बना दिया उसका। जब प्लेन बना दिया उसका तो क्या हो जाएगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर उससे बड़ा तो कर नहीं सकते ना हम, वो हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है कोई, वो क्या होता है, इंफिनिटी, राइट। सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। ओके, तो आप चाहें तो प्लेन मिरर को भी एक स्फेरिकल मिरर मान के अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इंफिनिटी है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है तो फोकल लेंथ क्या होगा, बताइए। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इंफिनिटी आ गया, तो फोकल लेंथ कितना आएगा? सो इंफिनिटी का हाफ आर बाय टू, राइट? तो इंफिनिटी बाय टू क्या होता है, इज सेम एज इंफिनिटी, राइट? इन्फिनिटी को आप आधा करो, डबल करो, उसमें से 10 घटाओ बढ़ाओ, वो तो इन्फिनिटी रहेगा, राइट? यस सर। तो इसलिए उसका फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और सो लेंस अ ग्लास विद अ मिरर विद इनफाइनाइट फोकल लेंथ इज प्लेन मिरर। और उसके बाद आप चाहो तो इवन मिरर फॉर्मूला सब कुछ यूज कर सकते हो। ओके, हाउ मच टाइम आर वी लेफ्ट विद? ओके, सो वी कैन कंटिन्यू, वी हैव सम टाइम। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सो वी आर कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच हैज टू डू विद रिफ्रैक्शन। ओके, सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन एंट्रिंग वन मीडियम टू, so it is the bending of the light when it passes from one optical medium to another optical medium. Okay? Yes, sir. Angle of refraction is always less than equal to angle of incidence. नहीं, वो कभी इक्वल भी हो सकता है। ओके, करण नागर अपने को म्यूट पे रखिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा लेस देन इक्वल टू इंसिडेंस एंगल होता है? नो सर। सर वो लार्जर भी हो सकता है इंसिडेंट एंगल से।
वो लार्जर स्मॉलर कुछ भी हो सकता है राइट तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. जब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है रे उस समय एक्चुअली रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो बड़ा हो जाता है. ठीक है. व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन. लाइट में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है. स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट डिफर डिफरेंट मीडियम फ्रॉम मीडिया टू मीडिया. ठीक है. तो मीडियम से मीडियम अलग मीडियम पे जाते हैं तो अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होती है. दैट इज द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन. एट व्हाट एंगल और टू द ओरिजिनल इंसिडेंट रे इज द इमर्जेंट रे इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ग्लास. ओके. सो क्या एंगल होता है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में इन केस ऑफ अ rectangular glass slab. So angle of incidence is equal to angle of emergence. हाँ, तो दोनों के बीच में क्या एंगल होता है? You are right. Angle of incidence is equal to angle of emergence in case of rectangular slabs. Okay. But the question is कि incident ray और इमर्जेंट रे के बीच में क्या एंगल होता है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नहीं, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल होता है जीरो. राइट. ओके. पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल होता है जीरो. राइट. क्योंकि दोनों एक ही एंगल बना रही है विद रेस्पेक्ट टू सम अदर लाइन. राइट. तो उनके अपने आप का बीच का एंगल तो जीरो है. ओके. ओके सर. इस चीज को हम किस तरह समझ सकते हैं देखिए. क्योंकि व्हाट इज एन एंगल. लेट्स गो बैक टू योर लाइंस एंड एंगल चैप्टर आई थिंक इन क्लास 9 और समथिंग. What is an angle? Definition क्या है angle की? Sir, जो दो ray से बनता है. दो ray से बनता है लेकिन उसकी definition है the amount of rotation needed, right? अगर मान लीजिए हमारे पास दो rays हैं, तो इस ray को मैं कितना rotate करूं to reach this ray, right? वो अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल. अमाउंट ऑफ रोटेशन. ठीक है ना. अब पैरेलल रेस को तो रोटेट करके हम इस रे पे आई नहीं सकते हैं. राइट. देयर इज नो नीड टू रोटेट. यू ओनली हैव टू मूव इट अप बट नो रोटेशन नीडेड. सो मींस देयर इज नो एंगल बिटवीन देम. इट्स द एंगल इज जीरो. ओके. सो the angle between the incident ray and the emergent ray in case of glass slab, rectangular glass slab, is zero. State Snell's law. What is the constant? What is the constant that appears in this law known as? It's Snell's law kya hai? सर जो एंगल ऑफ साइन आई है वो एंगल ऑफ साइन आर के इक्वल है. ये स्नेल ऑफ रिफ्लेक्शन है. साइन आई साइन आर के इक्वल नहीं है. एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट. रिफ्रैक्शन इज अ रिफ्रैक्टिव इफेक्ट इज अ कांस्टेंट. ओके. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस by sign of angle of refraction is a constant. Okay. इस चीज को आप इंग्लिश में किसी भी तरह बोलिए. आप ये बोल सकते हो the ratio
of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. Okay, the ratio. उस तरह आप बोलते हैं तो वो that sounds like proper definition. Okay, जबकि meaning same ही रहता है. आप ये भी बोल सकते हैं sin I upon sin R is equal to constant. Meaning वही है लेकिन ratio बोलेंगे तो then it sounds more formal. Okay. तो ये होता है स्नेल्स लॉ. इसमें ये जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्शन. नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हो गया रिफ्रैक्शन का, वो रिफ्रैक्टिव वर्ड से पता चल गया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? एंगल. सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. खाली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोल सकते, इसको क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होगा तभी तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. राइट. देखिए, अगर ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई और ये यहाँ बेंड हो गई, ये हमें आर मिल गया, ये आई मिल गया. राइट. अब साइन आई अपॉन साइन आर will be the refractive index of this glass only if this is space or vacuum or sometimes even air is taken. There is a very small difference. So air bhi le lete hain kai baar for approximate purposes. Lekin space hai, air hai, vacuum hai, kuch aisi cheez hai, tabhi refractive index kehlayega. Varna wo kya hoga? Relative refractive index hoga of the glass with respect to the outer medium. So the answer is, the constant is the refractive index of the second medium with respect to the first medium. Okay, ye pura nahi likha to you won't get marks. Understood? Yes, sir. The refractive index of water with respect to air is 1.3. And that of glass with respect to air is 1.5. What is the refractive index of water with respect to glass? बताइए. we have completed our time, but let's do this question and then we will close the class. Tell me. सर 0.86 आ रहा है इसका आंसर कोई? किस तरह किया बताइए. सर उसको 1.3 को 1.5 से डिवाइड कर दो, रेशियो ऑफ साइन आई अब वो ऐसे उस तरीके से. वेरी गुड. Okay, so give me one second. I have to just mark attendance and then I'll get back to you. Okay, so everybody got that? So with this, what we have to do is, ठीक है, आप इसको long method से कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, refractive index of water with respect to air है, glass का भी with respect to air है, right? तो
हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ओके, विद रेस्पेक्ट टू एयर, लेट मी कॉल इट लाइक दिस, इज इक्वल टू 1.3. एंड एन ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.5. वी हैव टू फाइंड ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास. सो वाटर का ऊपर आएगा, ग्लास का नीचे आएगा, 0.8 whatever, 0.867, right? Okay. Understood? दूसरा, अगर आपको confusion होता है तो आप कैसे करेंगे? अगर कुछ भी confusion होता है कभी, तो ये क्या चीज है? N, W, A क्या है? Speed of light in air upon speed of light in water is equal to 1.3. उसी तरीके से we can write speed of in glass, oh sorry, in air by speed of light in glass. अब हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास. तो क्या होगा? स्पीड इन ग्लास बाय स्पीड इन वाटर, ओके, विच वी विल गेट बाय डिवाइडिंग दिस विच इज 1.3 बाय 1. It is still the same thing. Okay, but that is a long way, but that is the full complete way. Okay, this is the short way. Both are okay, depends on your comfort feeling. Okay, we'll close the class now and we'll continue with the remaining part of the revision in the next class. Okay? Okay, thank you, bye-bye. Thank you, sir.